आदिवासी दिवस के मौके पर राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में दो दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, जनजातीय इतिहास, जनजातीय साहित्य के अलावा आदिवासी अर्थव्यवस्था, आदिवासी ज्ञान और मानव विज्ञान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में आदिवासी समुदाय के समक्ष कई चुनौतियां हैं। श्री सोरेन ने कहा कि दो दिवसीय महोत्सव में देश भर के जनजातीय संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। एक लंबे समय के बाद इस राज्य में दूसरी बार आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पिछले बार घनघोर बारिश के बीच में भी इस महोत्सव को बड़ी मजबूती के साथ और काफी हर्षोल्लास के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आज पुनः उस आदिवासी महोत्सव के अपेक्षा आज का जो ये आदिवासी महोत्सव है वो और भी भव्यता और उत्साह भरा दिख रहा है। आज इस दो दिवसीय महोत्सव के उद्घाटन बेला में मुझे बोलने का मौका मिला है। इस महोत्सव के अपनी एक मायने है। और आज की परिस्थिति में ये दिवस और भी कई मायनों से महत्वपूर्ण भी है। दो दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश में विभिन्न राज्यों से आए हुए आदिवासी समुदाय अपने नृत्य एवं गान को प्रस्तुत करेंगे ही, साथ ही आदिवासी समाज की समस्याएं एवं अन्य सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श का कार्यक्रम भी आज इस महोत्सव में होना है। आदिवासी अर्थव्यवस्था कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद शिबु सोरेन मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग काफी भोले भाले हैं और मेहनती भी। उपस्थित है कहीं बहुत बहुत कम है, कहीं ज्यादा है, उसी हिसाब से लोगों ने अपना अपना जीने खाने का रहने का प्रयास करते आया है, रह रहा है। आज उसी में से हम लोग भी हैं कि ये झारखंड इलाका देश के बहुत से राज्यों में छिटपुट है, जहाँ के लोग अपने झारखंड कहता है, और उसी अनुसार में करीब करीब हम लोग आदिवासी लोग एक ही प्रकार के अभिक्षित हैं और सभी लोग पढ़ने लिखने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन जीने के लिए प्रयास करना होता है, जीने के लिए प्रयास करने के लिए मजदूर। महोत्सव में झारखंड की संस्कृति के अलावा विभिन्न राज्यों के नृत्य एवं संगीत की झलक भी देखने को मिल रही है। सरायकेला का छऊ नृत्य महोत्सव में आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा। इसके अलावा पाइका, नागपुरी और उरांव समुदाय के लोक नृत्य की प्रस्तुति भी देखी जा सकती है।
महोत्सव में जनजातीय व्यंजन परिधान शो, आदिवासी फिल्म महोत्सव और चित्रकला के अलावा आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियां भी देखने को मिलेगी।